सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, सो देखो फ्रीज का मीनिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर सॉल्वेंट है, नहीं तो पर्टिकुलर लिक्विड है, उसको क्या करना है, फ्रीज करना है। अगर कोई भी अगर पर्टिकुलर सॉल्वेंट नहीं तो लिक्विड अगर फ्रीज होएगा तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या बनेगी, सॉलिड बनने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर एक सिंपल सी फ्रीजिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन है जिसे हमें पढ़ना है। देखो भाई फ्रीजिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। माने कि कोई भी सॉल्वेंट नहीं तो लिक्विड कब फ्रीज होएगा, जब ओवल लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के साथ मैच करेगा, उसी समय पे आपका जो लिक्विड है, आपका जो सॉल्वेंट है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिक्विड का कन्वर्जन अगर सॉलिड में हो रहा है, यही स्टेट को, यही पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि यहां पर ग्राफ क्या है। तो ग्राफ यहां पर ड्रॉ करना है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। चलो देखते हैं ग्राफ। ठीक है, सो देखो वाई एक्सिस के ऊपर है वेपर प्रेशर। ठीक है, जो वेपर प्रेशर हमने लिया है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। एक्स एक्सिस के ऊपर है टेम्परेचर जो हमने लिया है केल्विन में। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर जो सबसे जो मैक्सिमम यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसे हम 1 atm भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल सा एक कर्व बनाना है, और कर्व के ऊपर है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, उसी के साथ साथ और एक कर्व बनाना है, उसके ऊपर है सॉल्यूशन। और हमने देखा था कि सॉल्यूशन हमने कैसे प्रिपेयर किया है, हमने लिया था प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब यहां पर ये दो कर्व आ चुके हैं, अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करके यहां पर आपको जो पॉइंट मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा सॉलिड। ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का आइस है। ठीक है, माने कि यहां पर क्या हुआ, जो प्योर सॉल्वेंट था, ओके, प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, हमने यहां पर ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का यहां पर कन्वर्जन हो गया सॉलिड स्टेट में, और ये जो यहां पर जो सॉलिड है ये हमारा यहां पर आइस है। यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमें दो पॉइंट मिला है। ओके, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दो जो लाइन है इसे नीचे हम करस्पॉन्ड करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर के लिए सिंबल टी, यहां पर भी टी, लेकिन यहां पर जो बातें हो रही है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग लेंगे एफ। ठीक है, सो यहां पर टी एफ और यहां पर भी टी एफ। लेकिन लास्ट वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था जहां पर भी पीवर ये केस आएगी वहां पर टेम्परेचर के ऊपर नॉट लगेगा। सो यहां पर पीवर क्या है, पीवर सॉल्वेंट है, सो यहां पर हमें मिलेगा टी नॉट एफ और यहां पर हमें मिलेगा टी एम। यहां तक बातें क्लियर है अच्छे से? ठीक है, सो यहां पर जो टी एफ और टी नॉट एफ हमें जो मिला है, इसके बीच में का जो डिफरेंस है डेल्टा टी एफ। ठीक है, अब देखते हैं ये जो नोटेशन है, ये जो पॉइंट है, ये एक्चुअल क्या है। ठीक है, वेयर टी नॉट एफ, टी नॉट एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहां पर दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है टी नॉट एफ, दूसरा टेम्परेचर है टी एफ। अगर हम दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, सो जो टी एफ है, टी एफ का टेम्परेचर माइनस की तरह जा रहा है, और जो यहां पर जो टी नॉट एफ है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। तो यहां पर क्या है, माइनस छोटा है। ओके, तो यहां पर जो सबसे बड़ा वाला केस है टी नॉट एफ। ठीक है, ओके, अगर यहां पर हमें अगर डेल्टा टी एफ का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी है, जिसका टेम्परेचर बड़ा है, उसमें से छोटे टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यहां पर क्या है, यहां पर जो टी नॉट एफ है, टी नॉट एफ से हम लोग टी एफ को माइनस करेंगे और हमें मिल जाएगा डेल्टा टी एफ का वैल्यू। सो देखते हैं ऐसा ये क्यों हुआ। ठीक है, आप लोगों ने
बचपन में जो स्कूल के सामने जो आइसक्रीम वाला आता था, ठीक है, नहीं तो अभी भी आता है, अपने आइसक्रीम तो बहुत खाए रहेंगे। सो देखो, हम लोग भरी भरी मतलब गर्मी में आइसक्रीम खाने मतलब जाते थे, हमारे पूरे के पूरे पसीने मतलब छूट जाते थे, लेकिन वो जो अंकल जी आते थे उनका जो भी वो टैंक होता था उसमें से आइस कभी मेल्ट नहीं होता था, ओके, लेकिन हम तो मेल्ट वहाँ पर हो जाते थे। इसके भी पीछे का रीज़न क्या है, ठीक से सुनो। अगर हम लोग ने अगर प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर को अगर हमने फ्रीज किया तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर प्योर सॉल्वेंट में, प्योर वाटर में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कॉमन सॉल्ट, नमक, ठीक है, अगर ये अगर हमने अगर ऐड किया तो वहां पर क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो जीरो से डिक्रीज क्या है, माइनस है, आइदर -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, आपका कैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट है, कैसे नेचर ऑफ सॉल्ट है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो अब यहां पर देखो कि मान लो कि एक प्योर सॉल्वेंट से बना हुआ आइस है और दूसरा एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ आइस है, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो आइस है वो क्या है, फटक से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड है, जस्ट अपना ये कॉमन सॉल्ट, ओके, वो फटक से मेल्ट होने वाला नहीं है, उसको मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सिमिलर प्रिंसिपल जो अपने जो आइसक्रीम वाले अंकल जी है उनके टैंक में होता है, उनके टैंक में वो जो आइस जो रखते हैं, ठीक है, वो आइस में नमक होता है, ठीक है। तो फटक से अगर वहां पर अगर हीट भी अगर इंक्रीज हो गई, बहुत सारी हीट है, तो फटक से वो वाला आइस मेल्ट होने वाला नहीं है। लेकिन आपको तो पता ही है, अगर हमने रेफ्रिजरेटर से अगर आइस को अगर बाहर निकाला तो फटक से मेल्ट होता है। तो वही अगर आपने अगर वो वाले आइस के अंदर अगर सॉल्ट अगर ऐड किया है तो आप लोग चेक करना, ठीक है, कि वो आइस कब मेल्ट होता है, सडनली होएगा या थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हुआ, ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा रीजन है, ओके। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, when we add non-volatile solute in pure solvent, then freezing point decreases. Clear है? Then freezing point decreases. उसके बाद क्या हुआ? Scientist ने एक experiment किया. Experiment के according उन्हें पता चला कि जो delta TF की value है, ये directly proportional to small m है. और हमने देखा था last video में कि small m क्या होता है? Molality of solution. तो ये वाली कंडीशन से हमें पता चला कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा, जो प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल हट जाएगा, प्रोपोर्शनल हटने के बाद वहां पर क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट, ओके। लास्ट वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने कॉन्स्टेंट दिया था के बी, लेकिन यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट लेंगे के एफ, ठीक है। अगर यहां पर अगर आपको केएफ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे, डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय एम, ठीक है। इसके लिए यूनिट बनेगा केल्विन केजी पर मोल। अब जान लेते हैं कि यहां पर जो केएफ है, केएफ क्या है, ओके, केएफ है यहां पर, केएफ के दो मीनिंग बनने वाले हैं। पहला मीनिंग है मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, याद रखना मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और दूसरा मीनिंग है काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या बोला मैंने, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये बातें यहां पर याद रखो, ठीक है। अब जो हमें जो केस मिली है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल एम, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल एम क्या है हमारा, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम फिर से स्प्लिट अप करेंगे। स्प्लिट अप करने के बाद हमें फाइनल यहां पर फॉर्मूला क्या मिलेगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने केस बताई थी, ये एक सॉलिड है दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के लिए हम लोग वेट और मोलार मास क्या लेते हैं, W2 और M2, और जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट के लिए हम लोग वेट और मोलार मास क्या लेते हैं, W1 एंड M1। तो सिमिलर कंडीशन यहां पर अप्लाई करनी है। सो स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ क्या है सॉल्यूट, सो W2, नीचे क्या है मोलार मास, लेकिन किसका है सॉल्यूट का, M2 मल्टीप्लाई बाय क्या है सॉल्वेंट इनटू W1। सो ये आ गया स्मॉल m की वैल्यू, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, उसके बाद हमें यहां पर फाइनली मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ
इनटू W2, और मैंने आपको क्या बोला था, केजी का कन्वर्जन अगर आपको ग्राम में करवाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 इनटू W1। अगर आपको वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में नहीं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कौन सा नॉन वोलाटाइल सॉलिड प्रेजेंट है उसका अगर मोलार मास फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करके आपको यहां पर मिल जाएगा M2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इनटू W1। सो ये हमारा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।